आपका मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बस्तर ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ अदा शर्मा, इंदिरा तिवारी, विपुल अमृत लाल शाह बाय सनशाइन पिक्चर्स। तो अदा शर्मा मतलब केरला स्टोरी के बाद नाउ बस्तर के साथ। ओके सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। इंडियन माओइस्ट आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। कॉमरेड्स, बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। मैडम निज्जर, आवर 76 बॉयज गॉट बुचर्ड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आप। व्हाट? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। 76 सीआरपीएफ जवान्स शुड गेट 76 क्रोर्स। पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। वो, 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 वो। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून के नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। नीरजा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100 years of communism and 100 million dead. पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनेगार कौन है। दम। माय गॉड। जय हिंद। ओह माय गॉड, खतरनाक था ये। एक्चुअली मुझे बस्तर के नक्सलवादियों के बारे में बहुत कम नॉलेज है, शायद आपको भी बहुत कम नॉलेज होगा, बट ये फिल्म उसके ऊपर लाइट डाल रही है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा, हम लोग रिसर्च करने में बैठ तो जाएंगे या तो मूवी देखने पहुंच जाएंगे। ये ऐसा था बिकॉज जो डायलॉग्स थे 76 कुत्ते, उन्होंने बोला दैट वाज समथिंग ये हार्ट ब्रेकिंग। माय गॉड, बहुत दिल दुखा वो देखने के बाद। एंड फिर वो दिल्ली के ऊपर जो डायलॉग्स थे, फिर होम मिनिस्टर को जो उसने सीधा सीधा चैलेंज किया कि फिर चलो चलो बैठो, फिर चलो हमारे साथ बिना सिक्योरिटी के बस्तर में चल के दिखाओ एंड एवरीथिंग। तो माय गॉड, एंड आदा शर्मा बैक टू बैक नॉन ग्लैमरस रोल, एक ऐसे स्ट्रांग लेडी को पोर्ट्रे कर रही है वो पिछले मूवी में भी एंड दिस मूवी में भी। सो माय गॉड, क्योंकि नॉन ग्लैमरस रोल से कोई दूर रहा ही नहीं है कोई एक्ट्रेस मोस्टली। तो इनको मैंने देखा है कि माय गॉड, बैक टू बैक एक ऐसी स्ट्रांग टॉपिक पे मूवी लेके आना जिसका नॉलेज थोड़ा कम होता है पहले लोगों को। एक मूवी आती है एंड देन वो एक वेव, मतलब फिर वो नॉलेज लोगों तक फैलता है, तो ये मुझे उस तरीके का लग रहा है। बट कुछ लोग हैं जो प्रोपोगंडा लिख रहे हैं, क्योंकि किसी ने लिखा है एजेंडा मूवी, सीआरपीएफ वुमेन आर नेवर अलाउड ऑन फील्ड, इज इट? ओके चलो। तो कुछ बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आके आई डोंट नो उन्होंने पूरा ट्रेलर देखा नहीं देखा, बट वो लोग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं नेगेटिव कमेंट। बट बाय द वे मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगी स्टोरी वाइज एंड एवरीथिंग। खतरनाक था ये ट्रेलर। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले सा बाय।